तमाम ऋषि बद्रियों को आज से आपका नाम जो सिलसिले में उनका नाम इदरीसी बद्री है और इंशाल्लाह खुदा ने चाहा इसमें इस बात को झूठ नहीं करे जो हमेशा तलब करता हूँ, इसलिए बद्रियों साहबियों की तरह आपका साथ उनसे होगा और आपसे दुनिया आखिरत में इंशाल्लाह हिसाब किताब नहीं होगा। आका भीख वाले को नानी करते, हमने भीख अपने और आपके लिए मांगी हुई है, उसका असर भी देखा है, उसका असर भी देखा है। माफी में हो, करम में हो, अगर तुम सिलसिले से जुड़े रहे और तुम में गैरत शेख मौजूद है, ये गैरत शेख बहुत जबरदस्त चीज है, रसूलुल्लाह से मिलाती है, खुदा से मिलाती है। जिसमें गैरत शेख नहीं है, इधर उधर और शेखों को देखता है, इधर उधर जाता है, वो आदमी कहीं का नहीं रहता, न घर का न घाट का। ये बिल इत्तेफाक, बिल इत्तेफाक औलिया अल्लाह का मामला है, फनाफ शेख। हाँ, ये फनाफ शेख यानी गुम है उसमें, वो दूसरे शेख को नहीं जानता, किसी शेख को नहीं जानता, किसी किताब को नहीं जानता, उसका किताब कुरान सब कुछ शेख है। और तरीकत में इंशाल्लाह झूठ नहीं है, ये बात इंशाल्लाह रसूल अल्लाह से ही समझो, लेकिन है उनकी तरफ से है या नहीं है, लेकिन मैं झूठ तो उन पर बोल के लाना के लिए रसूल अल्लाह ही से समझो कि इन्होंने ऐसे कहा होगा या कहा है कि जो इस तरीके में चले तो अंधा होके चले। तो मैं रसूल अल्लाह पे झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन ऐसे समझो कि उन्हीं से है या है। अगर तुम्हारे में गैरत शेख अंधा हो के आका जी के मामले में साथ चलना नहीं है तो आना जाना तो है, लेकिन तुमको नबी सरसम की मोहब्बत की इश्क की हवा अल्लाह के लिए नहीं लग सकती क्यामत तक, क्योंकि फनाफ शेख बिल इत्तेफाक मसला है, इख्तिलाफ नहीं है, तरीकत में ऐसा है। तरीकत के अलावा और जैसे उनका तो छोड़ो, लेकिन तरीकत वाले इस पे तमाम मुत्तफिक हैं। इसलिए मैं कहता हूँ इदरीसियों को और बद्रियों को रसूलुल्लाह का कुर्ब और जमानत और कफालत क़यामत तक नसीब रहेगी, और रसूल पाक सल्लम इदरीसी जो गैरत शेख रखते हैं बद्री, उनकी जमानत कफालत रख करते रहेंगे। तो कितनी बड़ी नेमत है तुम पर खुदा की, इसका शुक्र करो, लोग यकीन करना चाहिए। उसकी सरपरस्ती कौन करेंगे, हमारी तुम्हारी जो असल इदरीसी बना शेख से जुड़ा गैरत हुई तो उसको नबी सम के दरमियान रब्ता भी पैदा होगा, उसके काफिल जमीन काफिल जामिन हजरत मोहम्मद मुस्तफा। अब तुमको क्या चाहिए से बनी, और मैं इतना बड़ा झूठ रसूल अल्लाह पे बोलूँ, ऐसा नहीं होगा। बाकी कोई माने ना माने उनको तुम्हारा दखल नहीं है, तुम दाखिल हो गए इदरीसी और बद्रियों में, इंशाल्लाह उन्हीं में से ही हो। हमें बड़ी खुशी है कि हमारे आपके जामिन कफील हजरत मोहम्मद, हम लोग कितने खुशनसीब हैं ऐसे सिलसिले में आए हैं।